आपको एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि मेरे साथ ही और मुझे प्रॉब्लम ईटिंग। इमोशनल ईटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मेंटल, ट्रस्ट मी, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी बहुत टाइम है। एंड आई से थैंक गॉड टू अल्लाह। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे। सुबह के 6 बज रहे हैं, सुपर क्रेविंग हो रही थी और आज मैं खुद जाके, क्योंकि इस टाइम डिलीवरी सिस्टम नहीं एक्टिव होता, तो हलवा पूड़ियाँ लेकर आया हूँ। बट बैड लकीली हलवा पूड़ी नॉट वर्क फॉर मी, उसकी वजह ये है, आप लोगों को पता ही है, अंडे इस टाइम मिले ही नहीं, तो जो मिल गया उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अभी तो हमने तो नाश्ते में तो दूध का ग्लास और बाकी जो एग्स वगैरह हैं, जब टाइम हो जाएगा तकरीबन 8-9 बज जाएंगे, स्टोर्स वगैरह खुल जाएंगे, तो फिर जो है हम अंडे खाएंगे, बिकॉज अंडों में होता है प्रोटीन। और अभी सामने कर्टन है, नीचे से धूप है और फ्लोर पे रिफ्लेक्शन मेरे फेस पर आ रहा है और गिव गुड इफेक्ट इन मॉर्निंग। सो बाकी देखते हैं, अभी मैं दोबारा सोने के लिए जा रहा हूँ, देन फिर हम उठेंगे, फिर बनते हैं। वेलकम बैक टू अनदर इवनिंग एंड राइट नाउ आई हेड टू जिम। अभी मैं जिम जा रहा हूँ, वर्कआउट करूँगा एंड उसके बाद। सो प्रीवियस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को जिम वगैरह नहीं दिखा सका, सो अभी मैं ट्रेडमिल पर खड़ा हूँ, ट्रेडमिल स्लो स्पीड में चल रही है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू जो कि प्रीवियसली व्लॉग के अंदर नहीं दिखा। सो गाइस, आज का दिन था लेग्स का, बहुत टफ दिन था, बहुत हेक्टिक था एक्चुअली, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जिम टोटली बंद था। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस और घर जाकर चेंज करते हैं। जी, तो अभी मैं घर आ चुका हूँ, घर से चंद घर दूर हूँ, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया, कल की तूफ़ानी बारिश से मैं बच कर घर पहुँच गया और मेरा फ़ोन ख़राब होने से भी बच गया। घर जाके शावर लेके चेंज होके थोड़ा फ्रेश होने के बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा अपनी लाइफ की एक बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम, जिसकी खबर मुझे खुद भी नहीं थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, मेजर प्रॉब्लम थी जिसकी मुझे खुद भी खबर नहीं थी, वो मुझे पता लग चुकी है और उसके ऊपर उस प्रॉब्लम का मैं खात्मा कर चुका हूँ, डिस्कस करता हूँ कुछ देर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का जो हमारा व्लॉग होगा वो इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा होगा, रूटीन पे, एक्टिविटीज़ पे थोड़ा कम होगा। आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि जो आज मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मेरे नज़दीक। आपको एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि मेरे साथ थी और वो मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई चंद महीनों पहले, यानी कि अभी आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले, और वो प्रॉब्लम थी इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मेंटली तौर पर आपको फोर्स करती है, आपको प्लेयर देती है, वेन एवर यू आर इन एंगर, वेन एवर यू आर इन बैड मूड, वेन एवर यू नीड टू टॉक समवन, वेन एवर यू फील बोर, वेन एवर देयर इज़ नथिंग टू डू एंड यू हैव टू डू समथिंग। सो क्या होता था मेरे साथ, जो मेरा था, और अगर आज की डेट में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर आपको भी ये लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम है या आप इसका जो है एक सल्यूशन ढूंढने के लिए इस वीडियो तक पहुंचे हैं और आप किसी भी एज में हैं, तो ट्रस्ट मी, अभी भी देर नहीं हुई। थैंक्स टू अल्लाह के मुझे 22 की एज के अंदर पता चल गया कि मुझे इमोशनल ईटिंग का प्रॉब्लम है। यूजुअली आई हैव फॉरनर फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, इन दुबई, इन अदर कंट्रीज एज वेल, एंड दे न्यू वन थिंग एंड दे नेवर कंसिडर इट अ प्रॉब्लम, अ डिजीज और समथिंग एल्स जो कि एक मेरे अंदर थी। तो वो मुझे आइडेंटिफाई कैसे हुई, अच्छा कभी भी मूड ख़राब होना या कोई भी प्रॉब्लम होनी तो उसका ये होता था सलूशन उन लोगों का कि ओके अरसलान, लेट्स गो, लेट्स हैव सम फूड। घर में किसी ने देखा कि थोड़ा सा ऑफ ऑफ सा जा रहा है, ओके लेट्स ऑर्डर सम फूड। एंड फ्रॉम माय चाइल्डहुड ना, आई यूज टू गो माय डैड ऑफिस एंड वहाँ पे क्या चीज़ें होती थी, मैंने जंक फूड बहुत खाया, इतना मेरे सिबलिंग्स में कितना नहीं खाया जितना मैंने खाया है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड यूज टू ईट जंक फूड, KFC चले गया, मैकडोनल्ड चले गया, पिज़्ज़ा हट चले गया एंड बाकी सारी फूड जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके ऊपर चले गया। सो अब उसका ये होता था कि जो है ना मैं इंजॉय करता था। सो अब रिसेंटली लाइफ में ये होता था कि अच्छा कोई चीज़ बुरी लग रही है, कोई चीज़ अग्रेसिव हो गई है, आई एम नॉट वन ऑफ देम हु यूज टू बी वेरी लाउड एंड शाउट, मतलब कि कोई गुस्सा आ गया, कोई बात बुरी लगे, कोई कुछ भी है तो आपको चिल्लाने का दिल कर रहे हैं, आप चिल्ला रहे हो या चीज़ें तोड़ रहे हो या अपना एग्रेशन निकाल रहे हो, मेरा ये होता था मैं खा लेता था। वो मुझे पता कैसे चला, वो मुझे पता चला दुबई में। उस वक्त मैं दुबई में था, करंटली लाइक चंद महीनों पहले मैं दुबई में था और आई हैड मंदी,
और जिन्होंने मंदी खाई है, मैं भी आपको इमेज के अंदर दिखा दे दिख रहा होगा आपको कि इमेज के अंदर जो मंदी है, मंदी एक एक बड़ी हैंडसम क्वांटिटी का राइस होता है, देन मटन या बीफ होता है, यूजली लोग चिकन भी खाते हैं, बट आई हैड मटन वन। एंड उसको खाने के बाद ना मुझे नहीं लगता कि आपको पानी पीने की भी हिम्मत रह जाती है। इवन दो आफ्टर ईटिंग मंदी यू नीड टू हैव ग्रीन टी, सो ग्रीन टी वगैरह हुआ एंड आई हैड सम लाइक बहुत ही ना रैपिड फायर टाइप की कन्वर्सेशन चल रही थी एंड आई एम वन ऑफ दैट पर्सन कि अगर मुझे किसी ने मुझे कोई भी बात समझानी है, कहनी है या कुछ भी कहने का है उनका प्लान, तो एटलीस्ट मेरे सामने एक अथेंटिक, एक लॉजिकल चीज़, एक रीज़न रखे। तरह मेरी थोड़ी सी नेचर है कि भाई अगर ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इनके फैक्ट्स एंड फिगर दिखाओ, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाओ, हिस्ट्री दिखाओ, देन उस मुताबिक मेरे से बात करो, देन आई विल बी एग्री विद यू। बट दैट डजंट मीन, ओके अगर मैं किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहा ना, दैट डजंट मीन कि मैं उसे डिसएग्री कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाला आपको बात कर रहा है तो उसका वो बात को आपको ओके करना ज़रूरी है, बट कुछ पोजीशन ऐसे आ जाती हैं कि आपको हाँ ओके करना ही पड़ता है कि आपके इन फ्रंट में जो बंदा है वो एक सीनियर सिटीज़न हो सकता है, अडल्ट हो सकता है, आपका एज वैल्यू हो सकता है, आपसे जूनियर हो सकता है, तो उससे आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। उस दौरान मुझे गुस्सा आ गया एंड व्हाट आई सेड लाइक आई नीड टू ईट राइट नाउ। मंदी खाने के बाद मैं सीधा KFC गया। आई हैव नो फीलिंग कि मुझे भूख लग रही है, आई हैव नो टेस्ट इन माई माउथ, इवन दो देर इज नो नीड ऑफ एनी फूड एंड आई हैव लिटिल बिट टीयर्स इन माई आईज। आंसू निकल नहीं रहे थे लेकिन आंसू थे क्योंकि मुझे गुस्सा इतना था कि गुस्सा वो एग्जैजरेट और निकल नहीं पा रहा था अंदर होने की वजह से। सो आई स्टार्ट ईटिंग एंड उसके बाद मुझे इतना पेट में दर्द हुआ क्योंकि मंदी एक बहुत हैवी डिश है, अरेबिक डिश है, यहाँ पर कबायली पुलाव पाकिस्तान के अंदर है, तो वो चीज़ जो है ना ये ट्राइब्स का फूड है। और मैंने सोचा ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों खाया है, इसका कोई और भी तरीका निकाल सकते। तो मुझे तब से पता चला और उससे ऑनवर्ड आई स्टॉप ईटिंग व्हेन एवर फील आई हैप्पी, नो नीड ऑफ ई फूड बिकॉज तब मुझे खाने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हेन आई एम लाइक एंग्री देयर इज़ नो नीड ऑफ फूड बिकॉज मैं अपना मील ले चुका हूँ। अभी भी मैं डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ तो इस दौरान अभी मेरा जिम के दौरान मुझे ये था कि मैं जितना मर्जी जिम कर लूँ अगर मेरा इमोशनल ईटिंग का प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होगा तो मैं कभी भी स्लिम नहीं हो सकता या अपना वेट लूज नहीं कर सकता, एक हेल्दी एक ब्यूटीफुल बॉडी के अंदर अपीयरेंस के अंदर नहीं आ सकूँगा। सो फर्स्ट आई वर्क ऑन माई सेल्फ कि मुझे नहीं खाना। ट्रस्ट मी देयर इज़ नो मोटिवेशन, जस्ट डिसिप्लिन, इट्स बुलशिट, देयर इज़ नथिंग लाइक मोटिवेशन, ऑल यू नीड इज़ डिसिप्लिन। मैं काफ़ी देर से व्लॉगिंग कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, इन माई स्कूल टाइम आई हैव टेक्नोलॉजी टाइप पेज एंड गुस्से में आके जज्बात में आके किसी ने मेरा कुछ बुली किया और मैंने चैनल डिलीट कर दिया एंड दो दिस लाइक वो चैनल वो वीडियोज़ यूजली ट्रेंड पे जाया करती थी। तब तो है मेरा फेस अभी शायद जाहिर बात है एज के साथ साथ एनहेंस करता है, वो मैंने इमेजेस वीडियोज़ ईच एंड एवरी थिंग डिलीट कर दी यूट्यूब से और उसका अफसोस मुझे आज तक है क्योंकि उसके बाद उतने अच्छे तरीके से उतने रेगुलर तरीके से मैं YouTube पे कभी आया ही नहीं जिससे मुझे रेवेन्यू जनरेट हो। मुझे 4-5 दफ़ा उस दौरान YouTube से रेवेन्यू जनरेट हुआ और तब मेरी एज, तब मैं स्कूल मैं बता सकता हूँ एज तो नहीं, अराउंड 8-9 क्लास में था। यूज टेल हाउ टू मेक वेबसाइट, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक दिस एंड दैट। सो मैंने अपने इमोशनल ईटिंग के ऊपर जो मेरी आदत थी मैंने उसके ऊपर वर्क किया 3-4 महीने। अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ देयर इज नथिंग लाइक इमोशनल ईटिंग इन माई सेल्फ और मैं बहुत एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले जिम ज्वाइन किया है ईद की छुट्टियाँ मिलाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और मील कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं, लाइक 250 ग्राम इन लंच, 250 ग्राम इन डिनर, एग्स एंड मिल्क और ब्रेड, दैट्स इट। और ट्रस्ट मी मैं 250 ग्राम को भी 2 टाइम खा रहा हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू रिड्यूस। ऐसा नहीं है देयर इज़ द लैक ऑफ चिकन, नो आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चिकन मीट इन माई सेल्फ, ओके देयर इज़ नो चर्बी, ओके इट्स ऑल मीट बट आई बिलीव, बट इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आई स्टार्ट लूजिंग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड यू विल सी द जर्नी। और दूसरा उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जो मेरी ओवर थिंकिंग होती थी, दूसरी तीसरी चीज़ें होती थी, स्लीपिंग प्रॉब्लम ओवर ईटिंग और इमोशनल ईटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई स्लीप अ लॉट नाउडेज़, राइट। और जो चिकन है उसको मैं खाता हूँ, लंच जाता हूँ और लंच करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ एंड देन फिर अच्छा नींद मेरी बहुत मज़ेदार हो गई है। नेगेटिव चीज़ों से अब मेरा
दिल उकता जाता है। हर किसी के लाइफ में एक होता है कि उसको मज़ा आता है, ट्विस्ट होता है, मिर्च मसाला मिलता है, बट नाउ डेज आई एम गेटिंग लाइक एग्जॉस्ट विद दिस पॉलिटिक्स एंड एक्टिविटी। पंखा चल नहीं रहा क्योंकि आवाज़ अच्छी तरीके से आए, एसी मैंने ऑन नहीं किया बिकॉज उसके ऑन करने का भी फायदा नहीं, बिकॉज वीडियो बनाने के लिए 10 मिनट में तो कूलिंग होगी नहीं, तो माई शर्ट इज़ गेटिंग स्वेटी। सो ऑन दिस नॉट आई शेयर माई इमोशनल ईटिंग जर्नी विद यू एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक हु एवर सर्वाइविंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, देर इज नथिंग रॉन्ग। इफ़ यू ईट, इफ यू हैप्पी देन इट्स गुड, इफ यू फील हैप्पी देन इट्स गुड, बट प्लीज इट्स देर इज नथिंग लाइक बॉडी शेमिंग। मैं जिम कर रहा होता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई देख भी रहा है, कोई वीडियो बना रहा है फॉर द सेक ऑफ फन, देर इज नथिंग रॉन्ग गाइस, जस्ट टेक डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड कीप सपोर्टिंग मी, डू शेयर, कीप सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हो, तो उससे मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ेगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो ये वीडियो अगर लंबी हो गई हो या कुछ आपको ज़्यादा भाषण लगा हो तो उसके लिए माजरत, बट मेरी पूरी कोशिश थी मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम थी, वो थी इमोशनल ईटिंग, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेट आउट ऑफ इट एंड नाउ आई एम लिविंग माई हेल्दी लाइफ।